मैं और चार्ल्स, बहुत बेकार मूवी था वो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फर्स्ट हाफ तो कुछ समझ में भी नहीं आया क्या चाह रहा है वो, क्या नहीं चाह रहा है। और दूसरा हाफ मैं तो इंटरवल छोड़ के ही भाग गया था आधे में से। अभी वो चार्ली के चक्कर में देखा था वो। फर्स्ट हाफ इज़ वेरी बोरिंग, सेकेंड हाफ इज़ ओके ओके, सो इट इज़ एन। नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग अच्छी थी, बाकी सब तो ओके ओके एक्टिंग थे। 2 stars, दैट्स। आई लाइक दिस मूवी, यो ऑसम था। 3, व्हाट, सुपर। तो थोड़ा थोड़ा सीन में ना थोड़ा गंदा लिखा, बट ऑसम उसकी एक्टिंग ना, बराबर सुपर। हाँ, इसकी स्टार्स 3। अच्छा था मूवी, अच्छा था। एक अलग कंसेप्ट है। हाँ, तो क्या कहना चाहूँगी, मतलब मूवी, मतलब जैसे पुराने मूवी होते थे उससे थोड़ा अलग है, कंसेप्ट नया है, देखने को इंटरेस्ट आता है। बेस्ट नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग है, बहुत अच्छी है उनकी एक्टिंग, मतलब ऑल ओवर मूवी फाड़ दिया उन्होंने। 3, 3.5। हाँ, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी थ्रिलर था, मज़ा आया अंदर देख के मूवी को। हाँ, ही इज़ बेस्ट, ही इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट एंड ही परफॉर्म क्वाइट वेल। अच्छा लगा उनकी एक्टिंग, कुछ डिफरेंट थी इसमें और देखने लायक थी एक्टिंग, जाना चाहिए। हाँ, 3.5 और 3। अच्छी थी, कॉन्सेप्ट अच्छा था। अच्छा, नसीरुद्दीन शाह थिएटर एक्टर है, बेस्ट थी मूवी। अच्छा, 3 stars। दोबारा बोलू, अच्छी लगी पिक्चर भी, मस्ती हो। नसीरुद्दीन शाह ने भी बहुत अच्छा उसमें अपना काम किया, और पिक्चर तो मतलब फुल एक नंबर थी, अलग कॉन्सेप्ट था। और 5 में से 2 stars। अरे बहुत ही अच्छी मूवी थी, नसीरुद्दीन शाह इज़ अ वेरी बेस्ट एक्टर, और उन्होंने वैसे भी थ्रिलर करा है तो बहुत अच्छा लगा, उनका काम बहुत ही अच्छा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एक थ्रिलर मूवी था जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने एकदम अच्छी एक्टिंग करा है, और वैसे भी वो मेरे फेवरेट एक्टर रहे बहुत पहले से, सो आई लव नसीरुद्दीन शाह वेरी मच। मैं उन्हें 3 stars दूंगा। 5 stars। नसीरुद्दीन की भी बहुत अच्छी थी, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है मूवी में, और एक थ्रिलर मूवी थी, अच्छी थी, और वो मेरे बेस्ट एक्टर है। 5 में से 4 stars। बहुत अच्छी लगी, और उसमें मतलब थ्री बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग थी वो सीन वो पिक्चर में, और 3 नसीरुद्दीन शाह की अच्छी, बहुत अच्छी एक्टिंग थी उसमें। 2 stars। मूवी बहुत अच्छी थी, नसीरुद्दीन शाह की मूवी में एक थ्रिलर मूवी थी, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिला देखने के लिए, और मूवी बहुत अच्छी थी। 5 stars। कैसी लगी मुझे? गुड मूवी, बट जो एक्सपेक्ट किया था वो मिट नहीं हुआ। अच्छा, जो जरा क्लाइमेक्स जो जरा था वो बहुत ही जरा खींच गया लंबा। लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मुझे जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला मुझे। पब्लिक है, पब्लिक है, लेकिन इतना नहीं, इतनी नहीं। नसीरुद्दीन शाह का जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छी नहीं। हाँ, उतने वो जो उनसे एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला। 5 में से कितने स्टार देंगे? 5 में से 3.5। ओके, बस थैंक यू। मूवी वाज बेस्ट एंड ऑसम, इट्स ओके। नसीरुद्दीन शाह का काम कैसा लगा? हाँ, उनका काम बहुत अच्छा था, और जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी अच्छी लगी। नहीं, लेकिन ठीक है, ओके ओके। मूवी 5 में से 2, 3 stars। सर, द मूवी इज़ गुड, एंड द मूवी इज़ लाइक हैविंग द मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन थिंकिंगनेस। इट्स शोइंग अबाउट द विलन्स, इट्स सम कॉम्प्लिकेटिव थिंग्स, इट्स अ लॉट्स ऑफ फन है। पकाओ थी बहुत, बहुत पकाओ है, बहुत। नसीरुद्दीन शाह का काम कैसा था? हाँ, नसीरुद्दीन शाह उनका ही खाली अच्छा एक्ट था, तो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी अच्छी नहीं लगी। हाँ, 5 में से कितने स्टार्स देंगे? हाँ, 5 में से कितने स्टार्स देंगे? कितने? 2, 3 stars। ये पब्लिक थी अंदर फिल्म देखने के लिए? पब्लिक तो नहीं थी, नहीं, बहुत कम लोग थे। थैंक यू।